नक्सलवादी का नाम होता है, उन्हीं के देव गए देव हंसंग डाकू बन जाता है, ठाकुर सुनकर इन्हें चला जाता है तो देव रहने ही इन्हें झाकू बन जाता है। आता देखिए कहानी जो गाय ये वही बेरहमी डाकू बेरहम सुन से आया है कोई जादूगर, और इधर इधर है दो ठाकुर जाता है, डाकू बेरहम से बन जाता है और अब क्या होता है कहानी भी होता है, कहानी लोग रख रही है और कहानी जरूर बनाएगा। हम तो अपनी मजा रहे माँ भारत का समा आ रही है और लाला लाला कि हमका राम हम तो भैया है, कि हमका राम हम तो भैया है, छोटी सी मंदिर में अपना अपना उस समय तो फिर पहुंचता है आगे देखिए क्या बताते Bye.
पानी पिला दो। हाँ बुरी बात, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरी जान खींच के आ रही है। और पानी पी के यहाँ से मैं भाग जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस क्यों लगी तुम्हारे पीछे? पुलिस तो कह रहा है कि पीछे पड़ी हुई है। मणिनाथ हमारा भी नाम देवराज सिंह है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। मुनिमा मुझे पानी पिला दो, बड़ी मेहरबानी होगी। सागर सिंह आप पहुंचता है, आगे देखिए कला धोती है, खाली होती कला धोती तो इस मंदिर में छुपी हो, और चुरा इस मैंने तुझे ढूंढ निकाला ना। और ये डाकू बलराम सिंह है, सरकार ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। आज मैं इसे गोली से मारकर सरकार से 50,000 रुपए का इनाम प्राप्त करूंगा। शेरों पर आ नंबर दो, शादी हराम शादी खिलावते आखिराइश मैंने कुछ ढोल निकाला ना। तेरे शराब जादू सपोले को मौत की नहीं सुनाने आया हो। अच्छा चल, तो मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूं, इसको हमारे हवाले कर दे। नहीं। क्या नहीं? शाले हराम जादू कलावों पे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? हराम जादू ये बच्चा मुझे दे दे। नहीं दूंगी। राय पूरे तखा दे दिया, ये तखा सारा हालत है। मैं कह दिया कि मैं बच्चा नहीं दूंगी, नहीं सारे हराम जादी बच्चा दिली से इंकार करती थी। आज शराब जादे को ले जाऊंगा, अपने दोस्त छाला सिंह के पास। आज शराब जादे को वहीं पर मौत की नींद सुना दूंगा। ना रहेगा गाइस, ना बजेगी बांसुरी। Oh,
से अच्छे का वर्णन है और उन्नीस सौ अच्छे की दादी, उस बच्चे की दादी की तरफ से ग्यारह पर किराम आया है और पांच से हमारे लाला धन सुनिया है। आंखों से आज और छोड़े पाए उदासी से मुझसे देखा नहीं जाता, आखिर बात क्या है? जीवन हारिया दिल तो नहीं चाहता बताए, लेकिन अगर तुम पूछ तो हो तो जरूर बताऊंगा। आगे हो यही गाना का गाना गाना ये हो महेश शर्मा जय जो जीवन अभ्यंग खुश रखो इक्कीस रुपए दे रहे हैं कलंबर बाल्य का सुधन लाइ है। यह भगवान इसे कैसे बताए कि मेरा भाई नहीं है। जीवन भैया मेरे पास आओ, आखिर किस सोच में आप पड़े? ये सुना कर पूछते हो जीवन हमारी माँ है तो हमारी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है तो
की हमारी और तुम्हारी माँ का नाम कौन सा आया? कहने का मतलब है तुम्हारी माँ के आपकी घर से माँ होगी और यही करारी है। ये जिगर पत्थर बना लेना जीवन इस कलेजे को पत्थर बनाना, ये जिगर पत्थर बना लेना। उसका फिर लगा है पैंट में सुधर लाइए जीवन भैया एक बात का पहले मुझे सवाल था जब आज कहानी हुई पहले बड़ी एक बात का आपसे जवाब देना होगा। आपने कहा मेरी मां, पहले से बताए क्या मेरी मां और तुम्हारी मां और जीवन जब तुम्हारी मां तुम्हारी मां है तो आप तुमने कैसे कह दिया कि हमारी मां? लेकिन पहले आता है तुम्हारी मां, तुम्हारी मां हमारी मां। और भैया आपने कहा कि कहानी पुरानी हो जिगर पत्थर खड़ा ले रहा कुछ मेरी समझ में नहीं आई कहानी पर आ जाएगी जीवन चल आज माते मिलते हैं उसके बाद पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी जीवन। ठीक है भैया अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन आपके बगैर मैं कहीं एक पल भी नहीं रुकूंगा। नहीं जीवन चलो मेरे साथ तुम्हारे साथ मेरे साथ चलो चलो भैया जीवन तुम भी कहीं करार ना आए तो क्या करूं हर पल तुम्हारी याद सताए तो क्या करूं
निशायक और हमारा ये एक तो नहीं बल्कि वही मुन्ना है जिसको तुमने पत्थर दे दिया था, आज पढ़ लिख करके जीवन हो गया है। मेरा बेटा जीवन है। हाँ यही जीवन है, यही जीवन है। हाँ जीवन, चल पहले माँ के पैर छू, पहले माँ के पैर छू। देखो तो मुझे बताए, क्या ये अगर मेरी माँ है तो आपकी माँ नहीं है? अरे मैंने बार बार कह दिया जीवन, तू पढ़ा लिखा हुआ इंसान बिल्कुल बेवकूफ बनता है। अरे तेरी माँ मेरी माँ। लेकिन बड़े भैया आपने कहा कि मान लो अपनी अमानत संभालो, उसे आपका मुझे छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अरे जीवन, तू माँ के गर्भ को पैदा हुआ है, तू तेरा तेरी माँ नहीं है। अगर मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ तो आप क्या नहीं रहे कुछ के गर्भ से पैदा हुआ हो? हो जीवन, तो क्यों इतना परेशान है? देखो भैया, अगर आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो मैं एक पल भी यहाँ मैं भी नहीं रुकूंगा। जीवन आज तुझे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे। आज सवाल तुझे मार के बहुत पड़ा होगा भैया, क्या बड़ा आदेश है? जीवन आज के बगैर नहीं रहूंगा। मैंने कहा ना जीवन, अगर मेरा हाथ टूट गया जो मैंने पाल करके मां के मामला भी अपना कर दिया, आज मेरे हाथों से बिखर जाएगा जीवन। लेकिन भैया आप कुछ भी कर ले, लेकिन मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। अगर हाथ जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम मानेगा नहीं तो सुन मेरे बात, सुनेगा? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं भैया, आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप मुझे छोड़कर यहाँ से अकेला? सुन मेरी बात, सामने ये नहीं जी मन में हूँ कि नहीं जीवन में हूँ और सगा भाई तेरा, नहीं जीवन में समस्या। अगर कोई बता दे तो मुंह मांगा इनाम दे है, डीएम से सीन पर खबर के 20 रुपया दे देंगे। हाँ जीवन, दिया था वचन मां चंदा सहारा, तो वचन दिया था जीवन, दिया था वचन मां चंदा सहारा। Thank you.
का दूसरा है भैया मेरी बात सुनो और मुझे ऐसी बातें मुझे ऐसी बातें और मुझे ऐसी बातें ना भैया सुना Let up.